ये वीडियो वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज जो कि एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में है, इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाला फार्मडी का प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और साइकोलॉजी का प्रोग्राम और उनकी डिटेल्स क्या है, यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और एंट्री टेस्ट किस तरह का होगा, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो एडमिशन फ़ीस तमाम प्रोग्राम्स के लिए 10,000 रुपीज़ है। फार्मडी का सिस्टम एनुअल है, यानी कि 10,000 एनुअली है और बाकी सबके लिए सेमेस्टर वाइज है, जो 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें तो फार्मडी के लिए एनुअली 2,30,000 रुपीज़ है, साइकोलॉजी के लिए 6 मंथ्स की 72,000 और PGDCP ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो इसकी 70,000 है और फिर DPT के लिए 1,20,000 रुपीज़ है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की जो फ़ीस होगी वो फार्मडी के लिए 15,000 और बाकी सारों के लिए 8,000 रुपीज़ है। देन सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 रुपीज़ है सबके लिए, लाइब्रेरी फ़ीस 5,000 रुपीज़ है, क्लिनिकल ट्रेनिंग फ़ीस सिर्फ फार्मडी वालों को देनी होगी 5,000 एनुअली, तो टोटल आप अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगी। देन उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल के अकोमोडेशन के चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं, तो हॉस्टल के लिए आपको फार्मडी के 1,10,000 रुपीस देने हैं एनुअली और बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए 55,000 पर सेमेस्टर हैं। हॉस्टल के चार्जेस का भी इसी तरह है कि आपको 1,10,000 देने हैं और बाकियों के लिए 55,000। बोर्डर जो है ये भी आपके लिविंग एक्सपेंसिस ही होते हैं, तो फार्मडी के लिए एनुअली 5 लाख देने हैं और बाकी तीनों के लिए सेमेस्टर वाइज 2,15,000, 2,13,000 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, 2,73,000 आपको देने होंगे DPT के लिए। उसके बाद एनुअल जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेंगे वो 36,000 रुपीज़ होंगे। देन अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो फार्मडी के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जैसे A levels वगैरह होता है या अमेरिकन बोर्ड होता है इस तरह से। DPT के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, इंटरमीडिएट किया हुआ हो, A levels किया हुआ हो, कोई और डिप्लोमा किया हुआ हो, नहीं तो जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है DAE का उसमें आपने फिजियोथेरेपी पढ़ी हुई हो, और साइकोलॉजी के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। देन इन प्रोग्राम्स में इनरोल होने के लिए आपको मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स चाहिए, ये जो है सिर्फ साइकोलॉजी फार्मडी और DPT के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए नहीं है। अच्छा, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आप जो अगर आप फॉरेन कैंडिडेट तो आपको एक इंग्लिश क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा, ये एम्बेसी के थ्रू आप देंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन की फ़ीस 5,500 रुपीज़ होगी और आपको जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना देंगे तो उसके साथ आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स यानी कि मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का वो देने होगा और 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स देनी होंगी और जो फाइनल सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की वो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस होगी। देन जो वेटेज है या फिर जिसे हम मेरिट फार्मूला कहते हैं, तो आपके मैट्रिक के 10% मार्क्स लगेंगे, इंटरमीडिएट के 40%, एंट्री टेस्ट जो यूनिवर्सिटी लेगी उसके 40% और इंटरव्यू के 10% मार्क्स लगेंगे। देन एंट्री टेस्ट की अगर हम डिटेल्स देखें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसके पासिंग मार्क्स जो 50% होंगे, यानी कि 100 में से 50 वाला पास होगा। उसके बाद जो नीचे टेस्ट पैटर्न लिखा हुआ है, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी 30 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, ये जो है ये प्री मेडिकल वालों के लिए, यानी कि साइकोलॉजी अगर आपने प्री मेडिकल के साथ की है तब तो आप ये टेस्ट देंगे, DPT और फार्मडी का तो है ही ये। और अगर आपने साइकोलॉजी आप इनरोल होना चाह रहे हैं और आपने आर्ट्स या फिर कंप्यूटर साइंस या किसी और सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि आपको एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक की मार्कशीट देनी होगी और साथ में उसका सर्टिफिकेट, प्री मेडिकल की मार्कशीट देनी होगी। देन अगर आपने डिप्लोमा किया है फिजियोथेरेपी में DPT के लिए तो आप वो डिप्लोमा जमा कराएंगे। इसके अलावा डोमिसाइल KPK का होना लाजमी है आपके पास, NIC और फिर फादर का NIC जमा कराएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट या जिसे हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये स्कूल से मिलता है और ये कॉलेज का भी होता है, तो वो जमा कराएंगे। आपने अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 8 जमा करानी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है अगर आप बोर्ड चेंज कर रहे हैं अपना, जैसे कि यूनिवर्सिटी KPK में है तो अगर आप पंजाब बोर्ड से या फिर फेडरल बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। एंड द लास्ट पे अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट फॉर्म देती है, वो आपको अटेस्ट करवा के फिल करके यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।